Welcomes to all of the followers of my YouTube channel Jaish Computer Education. Specially, I am going to prepare topic on tally. In the previous video on tally, I have completed 4 videos, all the accounting terms and also details of the tally screen or gateway of tally screen, or we can also say Windows of the tally. Today I am going to discuss regarding the manual accounting. First of all, I am going to discuss journal entry. But how to create a journal? So before going to start journal, if you are clearly understanding my video, then subscribe me, comments me. Thank you. First of all, I am going to start what is journal. तो सर्वप्रथम आम आज जर्नाल का बुझा कारण मानुआल एकाउंटिंग जर्नाल न बुझा तो टाली में एंट्री करवा आमको आम भूल एंट्री कर ठीक एंट्री कर बुझीपर एणु प्रथम आगे आम मानुआल एकाउंटिंग पढ़ा तापर आम कंप्यूटराइज्ड एकाउंटिंग पढ़ा तापर आम क्लीयरली बुझीपर जदि कोई जगह हमें भूल एंट्री कर ठीक एंट्री कर कौन करूँ हमें डिटेल्स जानीपर ओके आम बर्तमान देखा जर्नाल कहले हमें कौन बुझे फर्स्ट व्हाट इज जर्नाल जर्नाल कहले हमें या बुझे धरतु आम गोटे दुकान अच्छी सो से दुकान में आम दैनिक कस्टमर मैंने बाकी नौ किए पेमेंट्स दौरान तो आम गोटे प्रथम गोटे रफ खातार आम डेली कौन ट्रांजाक्शन कर गोटे गोटे कागज लिखि रखती धरतु राम आज 10 पकेट बिस्कुट नाला तो आम पक 10 पकेट बिस्कुट तार गोटे बिस्कुट दाम हो मन कर 10 टंका 100 टंका से बाकी नाला आज का तारीख पकेले एवं तार ना लिखले कौन नेला लिखले एवं टोटल अमाउंट के थेला लिखले तब सही दिन मन कर तो हरी आसिक आमको आगुरी बाकी नहीं थिला से आमको 50 टंका देला बाकी पैसा पेमेंट कला 50 टंका तो आम लिखीद सही तारीख पर्टिकुलर आज का तारीख मन कर 13 तारीख 13/10/2020 हरी पेड लिखे पेड लिखले आम के 50 टाँह लिखले तो ये रफ कागज जो दैनंदिन ट्रांजाक्शन को आम लिखुं से रफ कागज बा रफ खाता को आम कौन जर्नाल इंग्लीश कौन कह इट इज ए रफ नोट और रफ नोटबुक इन व्हिच डे टू डे ट्रांजाक्शन ऑफ ए कंपनी और बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक मैनर दैट रफ बुक इज कॉल्ड जर्नाल इट इज ए रफ नोटबुक इन व्हिच डे टू डे ट्रांजाक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर दैट रफ बुक इज कॉल्ड जर्नाल मान जो रफ बुक आम गोटे कंपनी गोटे बिजनेस दैनंदिन ट्रांजाक्शन नेन देन को लेखती गोटे सिस्टमेटिक मैनर ताकि कौन से रफ बुक कह जाए जर्नाल तार जर्नाल टा देखा कमिका ना जर्नाल टा देखा टाइप दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नाल जर्नाल टोटल कलम अच्छी 6 कलम 1 नंबर कलम 2 नंबर कलम 3 नंबर कलम 4 नंबर कलम 5 नंबर कलम 6 नंबर कलम प्रथम कलम टा होची सीरियल नंबर द्वितीय कलम टा होची डेट तृतीय कलम टा होची पर्टिकुलर चतुर्थ कलम टा होची एलेट पंचम कलम होची डेबिट षष्ठ कलम होची क्रेडिट ताले एगुडा सब कोन आमे डिटेल्स डिस्कशन करिबा फॉर्मेट ऑफ द जर्नल ताले प्रत्येक जर्नल रो 6 कलम अछि प्रथम कलम टा होची सीरियल नंबर को बुझैबो द्वितीय कलम टा डेट को बुझे तृतीय कलम टा पर्टिकुलर्स को बुझे चतुर्थ कलम टा एलएफ को बुझे पंचम कलम टा डेबिट को बुझे षष्ठ कलम टा क्रेडिट को बुझे देन वी विल गो टू डिटेल्स ऑफ दिस टर्म्स जर्नल हैविंग 6 कलम्स द फर्स्ट कलम इंडिकेट सीरियल नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शंस माने प्रथम कलम टा ट्रांजैक्शन रो सीरियल नंबर को बुझाए परंतु एक नंबर ट्रांजैक्शन ला लिखबा 1 तापर आज का डेट पकेबा कौन दबा नबा है ये लिखा तापर ये डेबिट क्रेडिट केमती हम मुझे तो प्रथम कलम आम कौन कर द फर्स्ट कलम ऑफ द जर्नल इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रथम कलम टा गोटे ट्रांजैक्शन रो सीरियल नंबर को बुझाए सेकंड कलम इंडिकेट से डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन को डेट रे ट्रांजैक्शन होची सेकंड कलम टा बुझेबो जो डेट रे ट्रांजैक्शन ये डेट पड़ो तापर ये डिटेल्स ट्रांजैक्शन पड़ो नेक्स्ट आसला थर्ड कलम आसला पर्टिकुलर थर्ड कलम इंडिकेट्स
थर्ड कलम ऑफ द जर्नल इंडिकेट्स द पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजैक्शन मान कौन नेन देन हो कौन ट्रांजैक्शन डिटेल्स विल बी रिटन अंडर पर्टिकुलर कलम अंडर रे डिटेल्स लिखा जाए। नेक्स्ट आसला एलएफ एलएफ कौन ना फोर्थ कलम इंडिकेट्स लेजर फोलियो द एलएफ स्टैंड्स लेजर फोलियो स्टैंड्स फॉर एलएफ एलएफ रो फुल फॉर्म होची लेजर फोलियो ऑफ द ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शनल लेजर फोलियो को चतुर्थ कलम इंडिकेट कर तार व्हाट इज लेजर फोलियो लास्टली आई विल डिस्कस एट द लास्ट ऑफ द जर्नल एंट्री आई विल डिस्कस व्हाट इज लेजर फोलियो द फिफ्थ कलम इंडिकेट्स डेबिट अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन पंचम कलम टा डेबिट कलम को इंडिकेट करे। सिक्स कलम इंडिकेट्स क्रेडिट अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन सिक्स कलम टा क्रेडिट अमाउंट टा सिक्स कलम लिखा जाए। व्हाट इज लेजर फोलियो द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम व्हेयर द ट्रांजैक्शन हैज बीन पोस्टेड इनटू द लेजर द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम व्हेयर द ट्रांजैक्शन हैज बीन पोस्टेड इनटू द लेजर आमर गोटे लेजर अच्छी आप डिस्कशन कर लेजर कौन लेजर रोच गोटे बड़ खाता जो थी इंडिविजुअल खाता मन करतु मोर कस्टमर अच्छा पचीस जन बा दस जन कस्टमर अच्छा आम प्रत्येक दिन रफ खातार लिखिले किए कौन नेला केते के पैसा देला तो रात नहीं आमर जो इंडिविजुअल खाता अच्छी जन जन का इंडिविजुअल खाता थी कहीं से दैनन्दिन आम सहित बिजनेस कर गोटे इंडिविजुअल खाता रही थी आम जर्नाल को देखिकी मन करतु राम आजिका डेट में मतलब शहे टाँग पेड कर रात राम खाता को बाहर करी से शहे टाँग पेड लिखी राम मन कर आजिका डेट रे बिस्कुट पंद्रह पकेट नहीं तो आजिका डेट लेजर खोलला पर राम लेजर खोलि राम खाता खोलि तो से पंद्रह पकेट बिस्कुट नहीं लिखी तो लेजर लेजर फोलियो कौन द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम व्हेयर द ट्रांजैक्शन हैज बीन पोस्टेड इनटू द लेजर अर्थात जर्नल आम जो रफ खाता अच्छे तो कौ पेज नंबर रे राम ट्रांजैक्शन टा लिखा मन कर जर्नाल टा हूँ टोटाल दस पेज र तो दुई नंबर पेज रे आमर लिखा मन करतु राम ट्रांजैक्शन एणु जो राम खाता मुझे एंट्री करमी ट्रांजैक्शन को तो पेज नंबर पकईमी से दुई लेजर फोलियो जगह पकईमी दुई तो पूरा क्लियर हो जर्नाल जो नंबर टाइम पड़ा तो जर्नाल पेज नंबर टाइम लिखा कौटी लेजर लिखा कहते लेजर फोलियो नेक्स्ट आसा अकाउंट कहे कौन बुझे अकाउंट इज ए सेक्शन ऑफ लेजर इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन सेम नेचर आर रिकॉर्डेड मान एक प्रकार ट्रांजैक्शन को जो खाता लिखा जाए आम गोटे अकाउंट कौन मैंने गोटे गोटे अकाउंट एक प्रकार ट्रांजैक्शन गुड़िक लिखा जाए आम कौन अकाउंट एंड अकाउंट इज ए सेक्शन ऑफ लेजर इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर आर रिकॉर्डेड मैंने जो खाता एक प्रकार ट्रांजैक्शन गुड़िक लिखा जाए आम गोटे अकाउंट कहते अच्छा देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टोटल अकाउंट्स होती तीन प्रकार गोटे पर्सनल अकाउंट गोटे रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट गोटे नोमिनल अकाउंट टोटल अकाउंट को अकाउंट्स ओवरऑल अकाउंट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स वन इज पर्सनल अकाउंट अनदर इज रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट थर्ड है नोमिनल अकाउंट तीन प्रकार अकाउंट देखा प्रथम पर्सनल अकाउंट कहले कौन बुझे एंड अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सन्स एंड फार्म्स आर रिकॉर्डेड दैट अकाउंट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्या कहे ना जो खाता रे बा जो प्रकार अकाउंट्स को अकाउंट्स ना एन अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सन्स एंड फार्म्स आर रिकॉर्डेड जो खाता रे लोक मानकर ट्रांजैक्शन किंबा फार्म रो ट्रांजैक्शन किंबा गोटे बैंक रो ट्रांजैक्शन किंबा गोटे बैंक रो किंबा गोटे कंपनी रो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा जाए से प्रकार खाता को जाय पर्सनल अकाउंट बा से प्रकार अकाउंट्स को जाय पर्सनल अकाउंट एग्जांपल हैला राम अकाउंट हरि अकाउंट भरत स्टोर अकाउंट एसबीआई अकाउंट जिंदल कंपनी अकाउंट टाटा स्टील अकाउंट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट प्रीपेड रेंट अकाउंट एटसेट्रा ए प्रकार अकाउंट सब जाक
पर्सनल अकाउंट अंतर्भुक्त दीज अकाउंट्स आर इंक्लूडेड और दीज अकाउंट्स आर एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आसला रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट। व्हाट इज रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट? एन अकाउंट इन व्हिच ट्रांजैक्शंस ऑफ कमोडिटीज आर रिकॉर्डेड दैट अकाउंट इज कॉल्ड रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट। मान जो अकाउंट्स रे कमोडिटीज मान गुड्स कमोडिटी मान जो जिनस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करा जाए केवल लोक मानकर ट्रांजैक्शन एवं फार्म ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग हबो नाही बे लेखा जीवो नाही जो खातारे कमोडिटीज मानकर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करा जाए लेखा जाए से खाता को रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट कहा जाए बा ए प्रकार अकाउंट्स को हमें कहते रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट। एग्जांपल जो बिल्डिंग अकाउंट मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट ए सब होची रियल प्रॉपर्टी अकाउंट एग्जांपल। नेक्स्ट आसला नोमिनल अकाउंट। नोमिनल अकाउंट क्या कहुए एन अकाउंट इन व्हिच ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकमिंग इनकम्स गेन्स लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड दैट अकाउंट इज कॉल्ड नोमिनल अकाउंट। मैंने जो अकाउंट रे की प्रकार ट्रांजैक्शन सब लिखा जाए इनकम ट्रांजैक्शन उड़ी लिखा जो लॉस ट्रांजैक्शन उड़ी लिखा जो एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन उड़ी लिखा जो से प्रकार अकाउंट को हम कह नोमिनल अकाउंट। एग्जांपल हो सैलरी अकाउंट वेजेस अकाउंट रेंट अकाउंट रिपेयर्स अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ए सब अकाउंट हूँ नोमिनल अकाउंट एग्जांपल। आम ये अकाउंट्स गुटा कहली आम गोटे गोटे पर भल भाव डिस्कशन करवा एगुटा मुझे खाली एग्जांपल बर्तमान दूची आमर जर्नाल गोटे नियम अच्छी से नियम को आमको शिखा पड़ो से नियम को शिखिले आम कौटा डेबिट हम कौटा क्रेडिट हम ये सब आलोचना करवा कारण डेबिट क्रेडिट विषय अलरेडी पूर्व डिस्कशन करती प्रीवियस वीडियो रे आपण मानते गोटे भल की देखु व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। देर आर मेनली थ्री रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल्स। बर्तमान आम देखा गोल्डन रूल कौन देर आर थ्री गोल्डन रूल्स और देर आर थ्री रूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग। प्रथम रूल्टा कौन देखा तीन टा रूल को बेस करके आम डेबिट क्रेडिट कर जर्नाल करा नियम को आम भल भाव प्रथम ख्याल रखा। रूल नंबर वन डेबिट इज द रिसीवर क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर क्रेडिट इज द गिवर माने जी पाइब जी रिसीव कर जी पाइब सी हम डेबिट जी दब सी हम क्रेडिट। एटा हूँ केवल पर्सनाल अकाउंट ए नियम लागू होता है पर्सनाल अकाउंट कौटा रूल नंबर वन टा डेबिट इज द रिसीवर क्रेडिट इज द गिवर एटी केवल फार्म कि मनुष्य लागू हम दैट इज कॉल्ड पर्सनाल अकाउंट। रूल नंबर टू व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिट जहा कंपनी भितर को आसीबो सेटा डेबिट हबो व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट जोटा कंपनी बाहर को जीवो ताको को आजीबो क्रेडिट। एटा केवल ए रूल नंबर टू इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल एंड प्रॉपर्टी अकाउंट्स। रूल नंबर टू टा गोल्डन रूल नंबर टू इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट। व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिट व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट जोटा आसे सेटा हबो डेबिट जोटा जाए सेटा हबो क्रेडिट। रूल नंबर थ्री ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट माने जिते एक्सपेंडिचर अच्छी जिते लॉस हो सब जाक डेबिट साइड की जीवो आउ ऑल द इनकम्स एंड गेन्स सब जाक इनकम क्रेडिट साइड रे पड़िबो। तापे गोटे फिगर कराई देखी देले बेटर हम बुझाप सुविधा हम ये रूल नंबर थ्री ओनली आप्लिकेबल फॉर दि नोमिनल अकाउंट एटा नोमिनल अकाउंट रूल नंबर थ्री टा आप्लिकेबल। टाइप्स ऑफ अकाउंट रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट नोमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट ऑल असेट्स हला रियल अकाउंट कौन लगे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट जहाँ आसे सेटा हूँ डेबिट जहाँ जहाँ हूँ सेटा हूँ क्रेडिट। एटा हूँ कह रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन ऑल पार्टीज डेब्टर क्रेडिटर ए सब जाक फार्म्स आप रूल्स है प्रथम रूल्टा रूल नंबर वन डेबिट इज द रिसीवर क्रेडिट इज द गिवर। नोमिनल अकाउंट कौन ऑल आइटम्स ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस जिते अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस इनकम्स एंड गेन्स आपको आम नोमिनल अकाउंट कर गोल्डन रूल थ्री इज एप्लीकेबल फॉर नोमिनल अकाउंट। एग्जांपल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ये आम बुझीगले क्लियर।
माने आमर ए तीनटा नियम को बेस करिक विल गो विल 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 क्रिएट विल कैलकुलेट विल सॉल्व द ऑल द जर्नल्स बर्तमान आम गोटे जर्नल करवा तो सिंपल जर्नल गोटे आम बर्तन स्टार्ट करवा तो जर्नल क्वेश्चन टाइम कहीदे क्वेश्चन टाइम जर्नल लाइक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर निर्मल हाज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ एप्रिल मंथ ऑफ एप्रिल 2020 राइट द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन ये जो ट्रांजैक्शन गुड़ दे सब आपे जर्नल एंट्री करवा तो प्रथम है 10 एप्रिल यहाँ सीरियल नंबर वन सीरियल नंबर वन 10 एप्रिल कौन है ना कमेंशियल बिजनेस विथ कैपिटल 1 लाख माने किए किए बिजनेस स्टार्ट करती मिस्टर निर्मल मिस्टर निर्मल कमेंशियल बिजनेस विथ कैपिटल 1 लाख बर्तमान निर्मल कौन कला 10 एप्रिल 10 से गोटे बिजनेस स्टार्ट कला कैपिटल तार 1 लाख तापर 2 नंबर ट्रांजेक्शन आसला परचेस गुड्स फ्रम भीरू फर 20,000 भीरू ठार 20,000 टकर जिनस किणागला 3 नंबर है 13 एप्रिल परचेस गुड्स फर क्याश 15,000 माने आमर 13 तारीख दिन क्याश रे परचेस कराला 15,000 टकर परचेस करागला तापर 4 नंबर सीरियल है 14 एप्रिल परचेस गुड्स फ्रम अभिराम फर क्याश 9,000 अभिराम ठार क्याश रे किणाला 9,000 टकर जिनस इतिको आम प्रथम आगे चार्टर को सल्व करवा केमी जर्नल एंट्री रोचे फर्माट मुझे यू प्रथम आगे देखा बर्तन मु जर्नल एंट्री गोटे बर्तन जर्नल एंट्री केमी आम लिखा ना आम फर्माट आम जानते फर्माट हूँ आम प्रथम कौन हो ना ये आम गोटे आगे ये करवा सीरीयल नंबर मुझे देखा सीरीयल नंबर तापर दबा सीरियल नंबर डेट लिखा पर्टिकुलर्स तापर आम देखा उचे दबा बेटर हम बता पर्टिकुलर्स नेक्स्ट आसला लेजर फोलियो एलएफ तापर आसला डेबिट क्रेडिट बस ये जिनस आसला आमर तापर आम प्रथम काम होला क्वेश्चन होला कौन ना निर्मल हाज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ एप्रिल 2020 फर्स्ट है 10 एप्रिल कमेंट्स बिजनेस विथ कैपिटल 1 लाख बर्तमान 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कला तो ये आम दे प्रथम आगे आसे सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 1 नेक्स्ट डेट दे 10 एप्रिल 20 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कौन हम टी ना निर्मल स्टार्ट कर बिजनेस विथ कैपिटल तो ये दीटा जिनस कैपिटल क्याश आस तो निर्मल कौन कर क्याश टाक कंपानी की नहीं आसूत टाइम 1 लाख तो ये क्याश हूँ 1 लाख कैपिटल 1 लाख तो ये कौन हम ना जे व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिट कौन आस कंपानी की आस कैश एणु कैशटा ये हम डेबिट सो तापर नेक्स्ट जो खाता अच्छे आमर खाता आसो कैपिटल कैपिटल हम ये क्रेडिट केमी हो कैश अकाउंट डेबिट ये लेजर फोलियो कथा छाड़ दि डेबिट है 1 लाख 1 लाख तापर एंटर मार पुणी एठिक आसला परे एठी क्रेडिट टा ते लेखा जीवो एमती लेखा जाए टिके गैप देख लेखे जो टू कैपिटल अकाउंट
1 लाख। बस ये आमर प्रथम सीरियल नंबर 1 रो स्टार्ट है। जेतु निर्मल निर्मल कमेंट्स बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 1 लाख तमें जेकोसी ट्रांजाक्शन आम देखा प्रथम आगे मन रखा दरकार प्रति ट्रांजाक्शन दीटा अकाउंट्स आसे ये आसटा अकाउंट्स कमेंट्स बिजनेस विथ कैपिटल दैट मीन दीटा ये ट्रांजाक्शन आसटा खाता आस गोटे खाता हूँ क्या खाता गोटे हूँ कैपिटल खाता। निर्मल जो लक्षे टाँग धरिकी आसूसी क्या तो प्रथम से द अमाउंट विथ हुई बिजनेस स्टार्टेड और द अमाउंट विथ हुई प्रोपराइटर द अमाउंट विथ हुई इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोपराइटर टू रन द कंपनी तेल गोटे ओनर जिते टाइम इनभेस्टमेंट कर गोटे कंपनी की रन करने से टाँग कह कैपिटल कह बर्तमान निर्मल के इनभेस्टमेंट कर 1 लाख सो ये 1 लाख टाइम कैपिटल और क्या एणु जेहेतु व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिट ये कौन आसूस कंपनी की क्या आसूसी तो क्या टाइम डेबिट हम एणु ये दुटा खाता अच्छी गोटे क्या खाता गोटे कैपिटल खाता एणु क्या खातार लिखा लक्ष टा और कैपिटल खातार लिखा लक्ष टा जो जो पचारे बर्तमान क्या टाँग आए ना लक्ष टा कैपिटल के लक्ष टा से ट्रांजाक्शन कले ट्रांजाक्शन मुझे देखे दूसरी ये ट्रांजाक्शन सीरियल नंबर 1 डेट है 10/4/2020 पर्टिकुलर्स भितर आम कौन लिखले ना पर्टिकुलर्स भितर लिखले आम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट किए ये कैश अकाउंट डेबिट है डेबिट कर 1 लाख एवं टू कैपिटल ये टी घुंचे लिखा जाए जेहतु कैपिटल क्रेडिट एणु आपको टेली मडेल अकाउंट कराए टू कैपिटल है लक्ष तेल अलवेज ख्याल रखा पड़े आम डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड डेबिट साइड जितक हम क्रेडिट साइड से आम जा 2 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन है कत तारीख हूँ यहाँ देखीद क्वेश्चन टा कौन अच्छी क्वेश्चन टा हूँ ना क्वेश्चन टा ना परचेज गुड्स फ्रम भिरु फर 20,000 तमें लक्षे टाइम कैपिटाल आसा क्या आस रहा कंपानी से तो 11 तारीख दिन कौन हो ना भीरु ठार 20,000 जिन किगला भीरु ठार नगद किगला ना बाकी किगला से आमको लक्ष्य करने पड़ो जिते लिखाई परचेस गुड्स फ्रम भीरु 20,000 तेठी जेहेतु भीरु नाटा मेनसन होखा जाए फर क्या लिखा जाए ये क्लीयर बुझे भीरु ना मेनसन होने भीरु ठार बाकी किठी आम दुईटा खाता अच्छे गोटे हूँ परचेस खाता आ गए भीरु खाता मान आम जहाँ भी कि परचेस खातार एंट्री करवा एवं भीरु खातार एंट्री करेतु भीरु ठार बाकी किणुच्ची कौन कौटा डेबिट हम कौटा क्रेडिट हम जेहेतु ये भीरु आमको जेहेतु आमको भीरु ठार जिन कि भीरु आमको दौर भीरु इज द गिवर आम हूँ रिसीवर तो भीरु अकाउंट हूँ भीरु गिवर द डेबिट इज द रिसीवर गिवर क्रेडिट इज द गिवर जे दौर से हम क्रेडिट तेल भीरु हम क्रेडिट भीरु जब क्रेडिट है परचेस खाता ऑटोमेटिकली हम डेबिट ठीक अच्छे आम देखा ट्रांजाक्शन करवा सीरियल नंबर 2/11/4/20 टैब मार दि ये लिखा कौन ना परचेस अकाउंट डेबिट सब डेबिट टा ऊपर रहिबो परचेस अकाउंट डीआर डेबिट केते टंका परचेस अकाउंट डेबिट 20,000 एंटर पुणी आम तल को आसवा क्रेडिट कि हम ना भीरु अकाउंट जेहतु भीरु आमको मालटा बिक्री कर बाकी टू भीरु अकाउंट कत टा ना जी डेबिट से क्रेडिट एटा हम 20,000 ये बर्तमान आम सेकेंड ट्रांजाक्शन कम्प्लीट आम जा थर्ड ट्रांजाक्शन को थर्ड ट्रांजाक्शन हूँ क्वेश्चन देखा क्वेश्चन हूँ थर्ड ट्रांजाक्शन क्वेश्चन है 13 अप्रैल परचेस गुड्स फर क्या 15,000 आम परचेस गुड्स फर क्या 15,000 ये गुड्स किनले कत 15,000 टाँग कि क्या देखिए फर क्या 15,000 आम क्या देखिए 15,000 टाँग जिनस किनले तो आम कमी एंट्री करवा
एंट्री करिया को एडी दीटा खाता आछि गोडा जी परचेस खाता आ गोडाला कैश खाता आमे कैश देले पार्टी के आमे कैश दे किनिले जिंसो का आमे कैश दे किनिले अर्थात कैश टा आमो कैश अकाउंट रु गोला अर्थात कैश अकाउंट आमर माइनस हला एणु कैश अकाउंट जेतु माइनस होउछि कैश टा आमर कमुछि तो कैश टा आबो क्रेडिट आ परचेस अकाउंट आबो डेबिट एटा को हम मन रखियो को परचेस अकाउंट प्राय सब डेबिट होता है तो ये कौन हम ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट क्रेडिट परचेस अकाउंट डेबिट अर्थात परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जेहेतु आम क्या दूसरी कैश टा क्रेडिट हम एंट्री कम एटा तेरह तारीख तेरह चार कोड़े परचेस अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट कत टंका 15,000 क्रेडिट के हबो क्रेडिट हबो क्रेडिट हबो टू कैश अकाउंट कारण कैश देके हम किनि ले बस ये हमारो तीन नंबर ट्रांजेक्शन नेक्स्ट जो चार नंबर ट्रांजेक्शन को सब ख्याल रखा डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड जर्नल टा ठीक हो भावि ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम अभिराम फॉर कैश से एका सेम थिंग 14 तारीख दिन गुड हम परचेज कले अभिराम ठारु कैश रे 9000 ये देख ऊपर टारे ना मेंशन है खाली लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ये लिखा परचेस गुड्स फ्रॉम अभिराम फॉर कैश 9000 तमाम अभिराम ठार 9000 कैश दे किनले एणु आम अभिराम सहित कौन संपर्क ना आम तो कैश देले परचेस कले गुड्स अभिराम सहित जो बाकी किनवा तो सी आमको ना मेनसन करा पड़ो कि से मानने इंटेलीजेंट भाव में लिखिदेगी परचेस गुड्स फ्रम अभिराम फर कैश अभिराम ठार क्या किम अभिराम सहित कौन संपर्क ना जेहतु कैश दौरान अभिराम सहित किसी संपर्क ना ये कौन दुटा खाता अच्छे गोटे कैश खाता गोटे परचेस खाता कमी एंट्री करवा तो ये आम चार नंबर 14 तारीख 14 4 20 परचेस अकाउंट डेबिट डेबिट के टंका देखते हैं कितना टंका 20,000 कौन 9,000 तापरे क्रेडिट हम कैश अकाउंट टू कैश कैश अकाउंट 9000 बस ये हम चार नंबर ट्रांजेक्शन नेक्स्ट जीवा में चार नंबर ट्रांजेक्शन आम बर्तमान कम्प्लीट हो गला नेक्स्ट आम जीवा पांच नंबर ट्रांजेक्शन को बट गुड्स फ्रम श्याम अन् क्रेडिट ये ना मेनसन है कहला बट गुड्स बट मान परचेस परचेस गुड्स फ्रम श्याम अन् क्रेडिट श्याम ठारू बाकी 12,000 टका जिनस किणागला पूरा क्लीयरली ये लिखिद श्याम ठारू बाकी 12,000 टका जिनस किणागला दुटा एकाउंट आस गोटेला श्याम एकाउंट आ गोटेला परचेस एकाउंट तो कौन हम ना परचेस एकाउंट डेबिट टू श्याम एकाउंट ये आम कौन लिखा ना परचेस कत तारीख अच्छे यहाँ 16 तारीख कौन करवा पांच नंबर ट्रांजेक्शन 16/4/20 परचेस अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट कत टा परचेस अकाउंट डेबिट 12,000 टाइम टू श्याम अकाउंट 9,000 टाइम 12,000 टाइम क्लियर तापर नेक्स्ट आसा 6 नंबर ट्रांजेक्शन कौन अच्छी देखीद 6 नंबर ट्रांजेक्शन होची सोल्ड गुड्स वर्थ 15,000 टू तरुण
ମାନେ ଆମେ ତରୁଣ କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ମେନସନ ନାହିଁ, ବାକିରେ କି ନଗଦରେ ଏଠି କିଛି ମେନସନ ନାହିଁ। ତ ଯଦି କିଛି ମେନସନ ନଥିବ ନା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିବାଟା ବାକିରେ ବା କ୍ରେଡିଟରେ ଏଟାକୁ ସେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଖାତା ଆସିବ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ସ ଖାତା, ଗୋଟେ ହେଲା ତରୁଣ ଖାତା। ଆମେ ବିକ୍ରି କଲେ କାହାକୁ, ତରୁଣକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ୍ସ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତରୁଣକୁ। ତରୁଣ ହେଉଛି ରିସିଭର, ଦ ରିସିଭର ଇଜ୍ ଦ ଡେବିଟ, ଗିଭର ଇଜ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ। ତାହେଲେ ଏଠି ରିସିଭର କିଏ, ତରୁଣ, ଏଣୁ ତରୁଣ ଏଠି ହବ କ'ଣ, ଡେବିଟ ହବ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଖାତା, ଗୋଟେ ସେଲ୍ସ, ଗୋଟେ ତରୁଣ। ତରୁଣ ଯଦି ଡେବିଟ ହେଉଛି, ସେଲ୍ସ ଖାତା କ୍ରେଡିଟ ହବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଲେଖିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ। 6 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆମର କିଏ ରହିଲା ନା ତରୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସେଲ୍ସ। କେତେ ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ ନୁହେଁ 17 ତାରିଖ, 17/4/20। ତରୁଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଅଛି, 15,000, 15,000। କ୍ରେଡିଟ କି ହବ, ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେଲ୍ସ ଖାତାଟା କ୍ରେଡିଟ ହବ ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, 15,000। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, 7 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କ'ଣ ଅଛି, ତାରିଖ ଦେଖିଦେବା। 7 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ସୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍, 20,000। ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଏକା ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 19 ତାରିଖଟା ହଉଛି, କ'ଣ ହବ ନା କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ ଟୁ ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, 20,000। ସୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍ 20,000, 19 ତାରିଖ, 20। ସୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍, ଆମେ କ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାସ୍ଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତ କ୍ୟାସ୍ଟା ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲେ। ତାମାନେ କ୍ୟାସ୍ଟା ଯଦି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଡେବିଟ୍ ହବ। ଏଠି ଲେଖିବା, ଏଠି କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ 20,000, କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ 20,000, ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ 2, ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ 40,000। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, 8 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। 8 ନମ୍ବର ହେଲା ସୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ ଟୁ ଉତ୍ସବ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍ 6,000, ସୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ ଟୁ ଉତ୍ସବ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍ 6,000। 20 ଏପ୍ରିଲ ହେଲା ସୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ ଟୁ ଉତ୍ସବ ଫର୍ କ୍ୟାସ୍, ମାନେ ଉତ୍ସବକୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଏଠି ଉତ୍ସବର କୌଣସି ନା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ରେ ଯଦି ବିକ୍ରି, କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ ହବ, ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା ଆମର 19-20 ତାରିଖ ଦିନ 20/04/20 କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ 20/04/20 କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ, କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି ନା, କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ ହେଲା 6,000। ତାପରେ କ୍ରେଡିଟ କି ହବ,
क्रेडिट हम टू सेल्स, सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट 6000। नेक्स्ट आसला 9 नंबर ट्रांजेक्शन, आसला सोल्ड गुड्स टू प्रणव ऑन क्रेडिट 17000, माने प्रणव को बाकी 17000 टका जिनस बिक्री कर 21 तारीख दिन। तो ये हम देवा 21404 20, प्रणव का बाकी बिक्री, प्रणव अकाउंट डेबिट, प्रणव अकाउंट डेबिट कत ट, प्रणव अकाउंट डेबिट 17000 17000। प्रणव अकाउंट डेबिट है 17000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 17000। 10 नंबर ट्रांजेक्शन क्वेश्चन 10 नंबर, रिटर्न गुड्स टू भीरु, माने जो भीरु टू आमे जो जिनस किनी, रिटर्न गुड्स गुड्स टू भीरु, भीरु टू आमे गोटे जिनस किनी आम कौन कले ना 3000 टका रिटर्न कले जिनस क्या भीरु कले, ये जो जिते गोटे जिनस रिटर्न हो तो ये जो अकाउंट आसे रिटर्न टा आम कि बिक्री कले अर्थात परचेज करते रिटर्न कले, तो ये क्षेत्र में आम आस से जो खाता आसे क्या जाए परचेस रिटर्न खाता किंबा रिटर्न आउटवर्ड खाता कह जाए। एणु भीरु को आम दौर भीरु इज द रिसीवर, तो भीरुटा हम डेबिट एटी आउ क्रेडिट के हम ना रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बा परचेस रिटर्न अकाउंट। एटा हला के तारीख 23 तारीख 23 10 नंबर ट्रांजेक्शन 23/4/20। रेडी हम भीरु अकाउंट डेबिट, भीरु रिसीव कर रिटर्न कर रिटर्न कर भीरु को भीरु अकाउंट डेबिट 3000 टू क्रेडिट के हम क्रेडिट हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट ऑल परचेज रिटर्न कत 3000 टका। नेक्स्ट 11 नंबर ट्रांजेक्शन
11 नंबर ट्रांजेक्शन कौन क्वेश्चन अच्छे देखीद क्वेश्चन अच्छे बुर्स रिटर्न फ्रम तरुण तरुण को आम बिक्री करते तरुण आमको रिटर्न कला 1000 टकर तरुण को आम बिक्री करते तरुण आमको रिटर्न करुण रिटर्न कर तरुण गिवर गिवर मीन्स दैट इज गिवर विथ द क्रेडिट तरुण क्रेडिट हम तरह के तारीख गुड्स रिटर्न फ्रम तरुण तरुण ये आमको रिटर्न करुच्छे तो तरुण रिटर्न कर तरुण हम क्रेडिट आउ जो आम रिटर्न पाइले आम बिक्री करते सी आमको रिटर्न कला अर्थात सेल्स रिटर्न बाको कह जाए रिटर्न इनवर्ड बुक कौन कह रिटर्न इनवर्ड बुक के रोचे तरुण 1000 टकर 23 तारीख रिटर्न इनवर्ड अकाउंट अकाउंट डेबिट 1000 क्रेडिट है तरुण अकाउंट 1000 12 नंबर ट्रांजेक्शन है गुड्स टेकन बाय द प्रोवाइडर फॉर द पर्सनल यूज माने आमर जो मालिक जे निर्मल सी कौन कला ना किसी जिनस कंपानी ना गुड्स किसी ना तार व्यक्तिगत खर्च व्यक्तिगत खर्च जी टा जिन उड्र कर मालिक गोटे ड्रइंगस अकाउंट एंट्री करा जाए तो ये कौन हम मालिक नौ अर्थात ड्रइंगस अकाउंट डेबिट हम तो जिनस नौ मानने परचेस अकाउंट क्रेडिट हो परचेस रू आम परचेस अकाउंट जी से 1000 टका जिनस नहींगला एणु परचेस अकाउंट रू माइनस हो तो परचेस अकाउंट हम क्रेडिट डेबिट हम ड्रइंगस अकाउंट के तारीख अच्छे 25 तारीख अच्छे ड्रइंगस अकाउंट डेबिट ड्रइंगस अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेस अकाउंट नेक्स्ट आसा 13 नंबर ट्रांजेक्शन बट लैंड फॉर 50,000 गोटे आम लैंड परचेस कले तो 50,000 कितनी बट लैंड फॉर 50,000 मीन आम बुझे गोटे लैंड को आम किणिले कितु यहाँ गुड्स नुए लैंड टा गोटे गुड्स नुए जिते आम गुड्स को किणवा बिक्री करवा परचेस सेल्स खातार जीव कि अन्य जिनस कौन जिनस भी आम गुड्स व्यतीत अन्य जिनस किणा बिक्री कले परचेस आउ सेल्स खातार एंट्री हुए जेहेतु एटा लैंड एटा को आमे किणिला पर बिक्री करबे ने एटा हमर बिजनेस ने लैंड किणा बिका आमे करू नांती तो एटा को आमे परचेस खाता रे पडिबो ने तो कोन हबो एडी आसो दुटा खाता गोटे लैंड खाता लैंड एंड बिल्डिंग खाता कि लैंड खाता आउ आसो कैश ताले एडी कैश जेहेतु दे के आमे कुनछो कैश टा हबो क्रेडिट लैंड खाता टा हबो डेबिट तो ताले एडी कोन लिखिबा एटा केते तारीख अछि 26 तारीख 26 04 20 लैंड अकाउंट डेबिट लैंड अकाउंट डेबिट
50,000 क्रेडिट हम कैश क्या देखिए आप कैश अकाउंट 50,000 14 नंबर ट्रांजेक्शन परचेस मेसीनरी फर क्या 45,000 देख एटी भी गोटे मेसीनरी किनुंचंदि किंतु एटा भी परचेस खाता को जीवनी कारण एटा हमर गुड्स नुहे तो ये कौन हम दुटा खाता आस गए मेसीनरी खाता गोटे क्या खाता मेसीनरी जो किणा हो मेसीन इज कमिंग टू आवर इंडस्ट्री और कंपनी सो मेसीन विल बी डेबिट एंड कैश विल बी क्रेडिट ये हमें मेसीन टा डेबिट हम क्या टा क्रेडिट हम कत देख दिए एटा आसला 27/4/20 मशीनरी अकाउंट डेबिट 45,000 कैश अकाउंट ट्रांजेक्शन करवा देखिए 15 नंबर कौन लिखाई ना परचेज गला बट कंप्यूटर फ्रॉम इंटेल कंप्यूटर्स फॉर 25,000 देखो आम गोटे कंप्यूटर किणिले कौटू इंटेल कंप्यूटर ठारे इंटेल कंप्यूटर हूँ गोटे कंपानी ना गोटे दुकान ना से इंटेल कंप्यूटर किणिले बट कंप्यूटर फ्रॉम इंटेल कंप्यूटर्स फॉर 25,000 अर्थात इंटेल कंप्यूटर ठार 25,000 देखिए गोटे बाकी कंप्यूटर टे किणिले तार कौन हम टी तो इंटेल कंप्यूटर हूँ क्रेडिट हम कारण ये दौर गिवर इज द क्रेडिट रिसीवर इज द डेबिट तेल ये कौन हम आम गोटे दुटा अकाउंट अच्छे गोटे कंप्यूटर अकाउंट आगे इंटेल कंप्यूटर तो ये आम कौन करवा कैसे तारीख है 28 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट आम जेहतु कंप्यूटर किणिले कंप्यूटर गोटे खाता करवा कंप्यूटर तर एंट्री हम जैसे किण कंप्यूटर अकाउंट डेबिट क्रेडिट हम इंटेल कंप्यूटर इंटेल कंप्यूटर बाकी रखिले टू इंटेल कंप्यूटर सोलह नंबर ट्रांजेक्शन कैश सेल्स 15,000 मान कैश 15,000 टाइम बिक्री है 29 तारीख दिन 28 तारीख दिन कैश सेल्स मीन्स कैश अकाउंट डेबिट कैश सेल कले कैश आम पाक आसला कैश अकाउंट डेबिट कितना टंका अच्छी कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्रेडिट हम सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 15,000 सतर नंबर सतर नंबर लास्ट है जो बर्तन सतर नंबर कैश परचेस कल आम 22,000 टकर 29 तारीख दिन 29/4/20 कैश परचेस है कैश परचेस कले एणु कैशा हम आम कैशा कमी जा कैशा क्रेडिट हम परचेस अकाउंट डेबिट तो परचेस अकाउंट अकाउंट डेबिट
हजार टकर किनाला पंदर हजार बाईस हजार ट्वेंटी टू थाउजेंड डेबिट के हम कैश क्या दे कि कैश हमारे कमला कैश अकाउंट बाईस हजार लास्ट नंबर अठर नंबर क्वेश्चन है बट फर्नीचर फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस एंड पेड कैश 10,000 बट फर्नीचर फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस प्रोप्राइटर के मालिक के निर्मल ताकि से तार 10,000 टकर गोटे फर्नीचर किनला एणु ये मालिक खाता गला तो ड्रइंगस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये ट्रांजाक्शन कौन हम ड्रइंगस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तीस तारीख तीस चार कोड़े ड्रइंगस अकाउंट डेबिट दस हजार टू कैश अकाउंट दस हजार ये डिटेल्स ट्रांजैक्शन ये आम ट्रांजैक्शन क्वेश्चन ट्रांजैक्शन डिटेल्स थैंक यू जदि भिडी भल लगे तेज सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ आ उत्साहित करूँ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने थैंक यू फॉर माय वाचिंग यूट्यूब चैनल जयश कंप्यूटर एजुकेशन जय जगन्नाथ।